देखो क्वेश्चन 10.1 का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन ऐसा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ओके। आपको स्ट्रक्चर क्या करने है, फाइंड करने है, कौन कौन से। तो यहां मैं पहला स्ट्रक्चर देता हूं, 2-chloro, चलो फटाफट ड्रॉ करो अभी, 3-methyl pentane, चलो ड्रॉ करो इसको। दूसरा है 1-chloro-4-ethyl-cyclohexane, हाँ। तीसरा है 4-tertiary-butyl-3-iodo-heptane, ओके। और चौथा है 1,4-dibromo-but-2-ene, ओके। और फिफ्थ है, चलो फटाफट ड्रॉ करो, 1-bromo-4-secondary-butyl-2-methyl-benzene, चलो कौन दिमाग लगाता है। यस, पहले तो पेंटेन लिखना है, 5 कार्बन, 1 यहां लिखता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, चलेगा, ओके। अभी कहां पे कौन है, पहले तो पेरेंट लिखा हमने, पेरेंट लिखा, उसके बाद जो ब्रांच हो रहे उसको लिखते हैं। तो हम नंबरिंग करते हैं फिर, यहां 1, 2, 3, 4, 5, चलेगा। उसके बाद क्या करना है, जो ब्रांच है कहां पे, 2 नंबर पे एक सीएल है और 3 नंबर पे एक मिथिल है, तो काम खत्म हो गया। अभी बचे क्या आपके, इसकी कितनी वैलेंसी बची है, एक, वो किससे कनेक्ट रहेगी, हाइड्रोजन से, तो यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 3, यहां 3, तो ये हो गया आपका पहले का आंसर, ओके। बताइए अभी यहां सेकंड, अभी पहले क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करना है, साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करो पहले, चलो साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करो, हो गया साइक्लोहेक्सेन, यहां कौन है, सी, और क्या, 2H, यहां सी 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 2H। अभी यहां आपको क्या करना है, अभी यहां तो पेरेंट को हमने ड्रॉ किया, पेरेंट को ड्रॉ किया, अभी यहां पेरेंट के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे, ग्रुप आ रहे, उसको ड्रॉ करेंगे, अभी इसको नंबरिंग करेंगे, या आपका सीएल 1 नंबर पे, 2, 3, 4, 5 और 6, तो अभी कहां पे कौन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, इथिल ग्रुप कितने नंबर पे, इथिल का फॉर्मूला क्या है, C2H5, या आप ऐसा लिखो, या CH2CH3, कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो C2H5 लिखो या CH2CH3 लिखो, ओके, काम खत्म, ओके, ठीक है, चलो। तो यहां हम तीसरा समझते हैं, अभी यहां तीसरा, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, तो यहां मैं तीसरा लिखता हूं, ओके, चलो बोले तीसरा क्या आएगा। अभी पहले तो क्या करते है, पेरेंट को लिखते हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब कितने कार्बन रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हो गया। अभी क्या करना है, नंबरिंग करनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, करेक्ट है। अभी आपको 4 नंबर पे क्या चाहिए,
टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब कार्बन कितने चाहिए, कार्बन कितने चाहिए, ब्यूटाइल मतलब चार चाहिए ना रे, CH3, 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 ये क्या है, ये क्या है, 1, 2, 3, 4, अरे यस और नो, ये आपका एक क्या है, ब्यूटेन है, ये क्या है आपका, ब्यूटेन है, एक ही कार्बन को दो CH3, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, क्या हो जाएगा, अभी इस ब्यूटेन में से इस हाइड्रोजन को निकालो, तो अभी जहां आप हाइड्रोजन निकाल रहे वो कार्बन कितने कार्बन को कनेक्ट है, तीन, तो अभी ये ब्यूटेन का क्या बना रहे, ब्यूटेन का क्या बना रहे, ब्यूटाइल बना, बट कौन सा ब्यूटाइल बना, टर्शरी ब्यूटाइल बना, तो ये कहां पे कनेक्ट है, ये भी एक आर ग्रुप है क्या नहीं, ये एक आर ग्रुप है क्या नहीं, जैसे मिथिल एक आर ग्रुप है वैसे टर्शरी ब्यूटाइल भी एक क्या है, आर ग्रुप है, खाली हम जो आर ग्रुप देखते हैं जनरली ज्यादा वो प्राइमरी देखते हैं, या कौन सा है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है, तो ये कौन सा आर ग्रुप है, तो ये कहां पे कनेक्ट है, तो आर ग्रुप कनेक्ट होते हैं ना किसी कार्बन के नंबर पे, बट हम खाली कौन सा देखते हैं, इसके पहले कौन सा देखा है, प्राइमरी, अभी यहां हम कौन सा देख रहे हैं, तो यहां कितने नंबर पे हो, चार नंबर पे, तो चलो चार नंबर पे क्या लगाना है, मतलब सी, और उसके ऊपर एक दो तीन, तो यहां ऐसा लिखा तो चलेगा क्या, चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके डन, तो इसका काम खत्म, अभी बचा क्या है आपका, थ्री हाइड्रो, तीन नंबर पे क्या है, आयोडीन, अभी बचा क्या है आपके, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है, बोलो यहां कितनी वैलेंसी बची है, तीन, तीन हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या काम खत्म, काम खत्म, समझ में आया, अरे समझ में आया, ओके डन, तो ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर, 1, 2, 3, तीन कंप्लीट हुए, अभी चौथे का देखते हैं, या चौथे आंसर, ये सब हमारे आंसर है, चौथे का आंसर कौन बताता है मुझे, चौथा, अभी आपको क्या करना है, पहले पेरेंट को लिखना है, चलो पेरेंट कौन है, अभी पहले ब्यूट है, ब्यूट को लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लिखते हैं, ओके चलो, तो अभी यहां हमारा आधा काम खत्म हुआ, अभी क्या है, अभी ब्रांच कौन कौन है, एक नंबर पे और चार नंबर पे, एक नंबर पे और चार नंबर पे, क्या है रे, डाय मतलब दो है, कौन रे, बी आर, तो काम खत्म, अभी इसकी कितनी वैलेंसी बची है, एक दो कंप्लीट है, तो दो वैलेंसी किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से, बोलो या 1, 2, 3 वैलेंसी कंप्लीट है, तो एक बची है एच, या 1, 2, 3 एक बची है एच, या 1, 2 दो बची है, तो काम खत्म, यस और नो, तो लास्ट बताइए अभी, फिफ्थ नंबर का बताइए अभी, यस, अभी पहले तो क्या करना है, बेंजीन को पेरेंट लिखना है, बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन, अभी आपको करना क्या है, अभी आपको बेंजीन हो गया, अभी बेंजीन को नंबरिंग करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, अभी यहां देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहां आपने बेंजीन को तो निकाला, अभी ब्रांच को निकालना है, ब्रांच क्या क्या हो रहा है, एक नंबर पे कौन ब्रांच कर रहा है, बी आर, तो एक नंबर पे बी आर, अभी उसके बाद चार नंबर पे कौन ब्रांच कर रहा है, हाँ सेकेंडरी है, आर ग्रुप है ना, ब्यूटिल है इज आर ग्रुप, कौन सा आर ग्रुप है, सेकेंडरी टाइप का, तो ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल मतलब कितने कार्बन है, एक दो तीन, बट कौन से नेचर का है, सेकेंडरी ना, कौन से नेचर का है, सेकेंडरी नेचर का है, तो सेकेंडरी नेचर मतलब हम क्या करेंगे रेस्टोरेंट, यहां तो यह ये जो कार्बन है ये किस नेचर का है, तो या हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या आपके तीन हाइड्रोजन या
ये कार्बन किसको कनेक्ट रहेगा रे? चार नंबर को कनेक्ट रहेगा। किस नंबर को कनेक्ट रहेगा? मतलब चार नंबर पे ये कनेक्ट है, ये वाला, मतलब ये वाला कार्बन। तो या भी ये जो कार्बन है ये इधर से एक, इधर से एक, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। और वो किसको कनेक्ट है रे? बेंजीन रिंग को कनेक्ट है। तो ये हो गया आपका कौन सा रे? सेकेंडरी, बोलो सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, बस बात खत्म। बाकी क्या करना है? दो नंबर पे मिथिल ग्रुप लगाना है, तो लगाइए ना मिथिल ग्रुप। मिथिल ग्रुप ये कौन सा है? प्राइमरी। ये कौन सा था? सेकेंडरी था। आप ऐसा मत बोलिए ना, ओके ये मिथाइल है, ओके चलो। तो हो गया अभी कंप्लीट। अरे समझ में आया आपको? ओके डन। कैसे करना है आपको समझ में आ रहा है ना? पहले तो पेरेंट को लिखना है, उसके बाद जो सबस्टिट्यूएंट है ब्रांच है उसको लिखना है, ओके ठीक। वो प्राइमरी आर ओ ग्रुप हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। अरे समझ में आ रहा है? ओके डन। तो